भागलपुर के भोलानाथ पुल आरओबी एवं बौंसी रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर बनने वाले भोलानाथ फ्लाईओवर निर्माण के लिए कवायद तेज कर दी गई है। बता दें कि 7.5 मीटर ऊंचा और 8.5 मीटर चौड़े 2 लेन फ्लाईओवर के निर्माण की स्वीकृति काफ़ी दिनों पहले ही मिल चुकी थी। इसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस 2 लेन फ्लाईओवर के निर्माण के लिए लंबे समय से शहरवासी इंतजार कर रहे थे, जिसकी शुरुआत नाला निर्माण कार्य से हुई, जबकि अब बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग के साथ अन्य कार्यों की शुरुआत कर दी गई है। वहीं इस कार्य के दौरान आसपास के लोगों, राहगीरों और वाहन चालकों एवं यात्रियों को किसी तरह की दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए इस रूट पर जगह जगह टीन शेड लगाकर परिचालन बंद कर दिया गया है। इधर पुल निर्माण कार्य के कारण भोलानाथ पुल और बौंसी पुल की तरफ से आवागमन करने वाले लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है, जबकि काफ़ी मशक्कत करके पैदल राहगीर और दोपहिया वाहन चालक शीतला स्थान चौक मिर्जान हाट पहुँचते दिख रहे हैं। इस दौरान पोकलेन, ट्रैक्टर और जरूरी उपकरण की मदद से कार्य प्रगति पर है, जबकि सड़कों पर आसपास के लोगों का आवागमन भी साफ देखा जा सकता है। वहीं यातायात पुलिस द्वारा इस मार्ग में सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर ट्रैफिक DSP ने कहा कि शहरवासियों को परिचालन में अधिक परेशानी नहीं हो, इसके लिए भोलानाथ पुल के नज़दीक इसाकचिक की ओर से लूप लाइन से छोटे वाहन का परिचालन हो सकता है। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और कार्य में बाधा नहीं पड़ने के साथ आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी कदम उठाया गया है। आपको आरोपी जो बनना है ऊपर से, ये ब्लॉक के लिए बहुत दिन से चल रहा था। SDO साहब तो ये तय हुआ कि जितना लेट करेंगे एक ना एक समय तो ब्लॉक करना ही है, कुछ पब्लिक को असुविधा हो। तो आखिर बात जो करना स्टार्ट करना है तो अभी तो नहीं है, वो कुछ अभी 7-8 दिन का ब्लॉक लेगा। कुछ उसका काम है पोल पाइलिंग वगैरह क्या करेगा, पोल वगैरह शिफ्टिंग करेगा। तो उनके पोल निगम के इंजीनियर लोग आए आज ही आए, वो हम लोगों का ये राय है कि भोलानाथ इधर से जो सरकारी तरफ से जाएंगे तो पेट्रोल पंप के बाद पहला जो अंडर पास से बाद बाएँ रास्ता मिल जाता है, वो ब्रिज नंबर 2 से अंडर पास घुस के और राइट टर्न करके शीतला स्थान आने का प्राप्त मैंने ये कर सकते हैं। लोग थोड़ा सा पैदल से रास्ता तो ढूंढना होगा, जैसे दिक्कत होगा और शीतला स्थान से उसी रास्ते का प्रयोग करके यहाँ आ जाएंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नासोपुर के समीप 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 1 की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान अटगामा निवासी प्रकाश मंडल के 24 वर्षीय पुत्र रामचंद्र कुमार के रूप में हुई है। वहीं बाइक सवार घायलों की पहचान अटगामा निवासी अनिल मंडल के 22 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार, इंग्लिश चिचरौन गाँव निवासी शशिकांत सिंह के 24 वर्षीय पुत्र विभीषण राज के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद गंभीर हालत में 1 की मौत हो गई। वहीं इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना सुल्तानगंज थाना पुलिस को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन रामचंद्र की मौत हो गई। इधर प्राथमिक उपचार के बाद सौरभ कुमार और विभीषण राज को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों द्वारा भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घर से ही निकला था सब्जी लाने मार्केट। किस जगह ये घटना हुआ? ये नसोपुर के पास। क्या नाम है जो घायल है? भविष्ण कुमार सिंह। कितने लोग सवार थे उसमें? इकी था। वही था। क्या स्थिति है अभी? अभी तो फिलहाल ठीक है। रेफर कर दिया है? हाँ, रेफर कर दिया। क्या नाम है आपका? उमेश सिंह। क्या है आप घायल का? बड़ा भाई। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र भागलपुर में कार्यरत सभी सिंगल विंडो ऑपरेटर एवं मल्टीपर्पज असिस्टेंट ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 10 अक्टूबर मंगलवार से सामूहिक अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसको लेकर कर्मियों का कहना है कि वे सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय को पूरा करने में लगे हुए हैं, जिससे बिहार के युवक युवतियाँ हौसलों की उड़ान भर सके, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी उन लोगों को सरकार द्वारा उनका वाजिब हक नहीं दिया
किया जा रहा है। वहीं मंगलवार से धरना पर बैठे सिंगल विंडो ऑपरेटर एवं मल्टीपर्पस असिस्टेंट ने कहा कि पहले भी बिहार के गरीब माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने के कारण उनके सपने पूरे नहीं हो पाते थे। जबकि सरकार की पहल पर वर्ष 2016 से बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई और इसका लाभ लेकर हर तबके के युवा अपने सपने को पूरा कर पा रहे हैं। महासचिव रमेश चौधरी ने कहा कि मैट्रिक पास करते ही बच्चे कुशल युवा कार्यक्रम से जुड़कर अपना करियर बना रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना से बेरोजगार युवक युवतियों को आर्थिक सहायता मिल रही है और इसमें उन लोगों का भरपूर योगदान रहता है। बावजूद इसके उन सभी का भविष्य अधर में होने के साथ और सेवा को लेकर और सुरक्षा की भावना से ग्रसित है। साथ ही हर 11 माह पर अपनी सेवा विस्तार की जगह अन्य विभागों में कार्यरत कर्मियों की तर्ज पर सेवा कार्यकाल 60 वर्ष कर देने की मांग की है। इसके अलावा हड़ताली कर्मियों ने प्रतिवर्ष DRCC के कर्मियों के मानदेय में की जाने वाली 10% राशि की वृद्धि को भी बिना किसी प्रावधान के रोक देने का आरोप लगाया। वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिहार विकास मिशन के द्वारा पूर्व में किया गया वादा भी पूरा नहीं करने की बात कर्मियों ने कही। संघ के अध्यक्ष गौतम पासवान ने बताया कि बिहार विकास मिशन के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक मिथिलेश मिश्र और संघ के अध्यक्ष आकाश सिंह के साथ कई बिंदुओं पर लिखित समझौता होने के बाद पूर्व में किए गए हड़ताल के पांचवें दिन हड़ताल स्थगित करवाया गया था, लेकिन मुख्य महाप्रबंधक मिथिलेश मिश्र के हस्तांतरण के बाद उस समझौते के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। साथ ही कहा कि अब उन सभी कर्मियों का धैर्य जवाब दे चुका है और बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ के बैनर तले शुरू किया गया हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। मौके पर PRO अमन कुमार समेत काफी संख्या में कर्मी मौजूद रहे। सबसे पहले तो भागलपुर MPS दोनों संघ की ओर से आप लोग, आप जो भी मीडिया कर्मी आप लोग आए हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन। देखिए, हम लोग का जो मांग है वो कुछ 5 मांगों को लेकर के हम लोग जो है कि पिछले साल भी हड़ताल किए थे, ठीक है। तो 5 दिन का हड़ताल हम लोग किए थे, तो उस हड़ताल के बाद जो है हम लोगों को लिखित और मौखिक दोनों स्तर पर यह आश्वासन दिया गया था कि 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का जो भी मांग है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन 6 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक कोई उस पर निर्णय नहीं लिया गया। तो दोबारा हम लोग जो है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इस बार जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता तो हम लोग सभी वापस नहीं जाएंगे। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत भतौड़िया ग्राम पंचायत वार्ड संख्या 7 में बीते 2 वर्षों से लोगों को भीषण जल जमाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अब लोगों के सब्र का बांध टूट गया है, जिसके बाद लोगों ने गंगा प्रसाद भदौरिया मुख्य मार्ग को बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए जल जमाव वाले पानी में बैठकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि बच्चों को भी विद्यालय जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जल जमाव के कारण अक्सर लोग बाइक और ऑटो टोटो से गिरकर जख्मी भी हो जाते हैं, जबकि कई बार गाड़ियां भी पलट गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को इस जल जमाव के कारण नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है, जिससे निजात दिलाने के लिए वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य, विधायक और सांसद तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक जनप्रतिनिधियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिला है। पानी है यहाँ, सबसे पहली बात तो पानी बहुत ज़्यादा है और यहाँ से बच्चा स्कूल जाने में उसको दिक्कत होता है। और अभी जो सरकार ने घोषणा किया है कि डेंगू का प्रकोप बहुत है, माया गए हॉस्पिटल में अभी सीट नहीं मिल रहा है, उसके लिए अभी सरकार भी पूरा नहीं कर पा रहा। और यहाँ से अगर डेंगू का रोगी जाएगा इसके लिए क्या होगा, दिक्कत क्या क्या की परेशानी क्या है? परेशानी है यहाँ सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है। इस बगल में आंगनबाड़ी भी है, छोटी छोटी बच्ची लोग और बच्चे लोग आते हैं, एक दो बार तो सुनने में आया है कि यहाँ गिर गया है, कोई ग्रामीण लोग ही उसको निकाला है पानी से। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर।
ग्रामीण बैंक के नीचे हटिया रोड तिलका मांझी भागलपुर बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महाजन टोला बड़ी दुर्गा स्थान के समीप चार दिनों पूर्व बंटी खान के बंद घर से हथियार के साथ लैस आलोक कुमार चौधरी और अन्य सहयोगियों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। इसको लेकर जीनत प्रवीण ने बताया कि विगत 5 अक्टूबर की देर शाम आलोक चौधरी, शुभम चौधरी और कौशल चौधरी ने हथियार के साथ उसके बंद घर का ताला तोड़कर 50 लाख रुपये का जेवर, बर्तन और कपड़ा सहित कई सामानों की चोरी कर ली। मामले को लेकर जीनत ने बताया कि उसके भाई बंटी खान के द्वारा सुल्तानगंज थाना में 6 अक्टूबर को लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई। वहीं सोमवार को सुल्तानगंज थाना में इसकी सूचना देने पर थानाध्यक्ष प्रिय रंजन के द्वारा मंगलवार को पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और बंद घर की जांच पड़ताल शुरू की। मेरा घर है, बीवी नसीमा खातून का घर है सर, मेरी माँ के नाम से है सर। हम लोग 50 साल से रह रहे हैं सर। क्या हुआ आपके घर में? Hello? मेरे घर में डकैती हो गया 5 तारीख को सर। हम लोग दिल्ली में थे, मम्मी को ले गए थे इलाज कराने के लिए। वहाँ से आए तो वहाँ खबर मिला, आलोक चौधरी फोन करके धमकी दे रहा था, तुम्हारे घर में सब चीज बर्बाद कर दी है, कोई आएगा तो मर्डर कर देंगे। हम लोग को बर्बाद कर दिया सर, आलोक चौधरी कहीं कहने छोड़ा। क्या क्या लूटा? उसके लिए कानूनी कार्रवाई करे सर। क्या क्या हुआ है? मेरे घर में सारा गहना जेवर पीतल का सामान सारा लूट लिया, जो नहीं ले जा सका फालतू सामान को चूर दिया, कहीं कहने छोड़ा सर। कितना का सामान लूटा है? मेरा 50 लाख का सामान चोरी कर लिया सर। कौन लोग? आलोक चौधरी का, आलोक चौधरी करवाया सर। आलोक बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार को जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने एक दिवसीय भूख हड़ताल किया। इस दौरान संघ की प्रखंड सचिव तारिका रानी ने कहा कि अपने हक की लड़ाई के लिए पिछले 3 अक्टूबर से 5 सूत्री मांग को लेकर वे सभी हड़ताल पर हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होगी यह आंदोलन जारी रहेगा। तारिका रानी ने केंद्र सरकार द्वारा उन सभी को सरकारी कर्मी का दर्जा देने, तत्काल सेविका को 25,000 एवं सहायिका को 18,000 रुपए मानदेय देने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी आंगनवाड़ी सेविका को ग्रेजुटी का भुगतान करने की मांग की है। वहीं बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने के साथ साल 2017 एवं 2022 के समझौते अनुसार लंबित मांगों को पूरा करने की बात आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा कही गई। मौके पर वंदना सिंह, अलका कुमारी, अनीता कुमारी, सुनीता देवी समेत काफी संख्या में आंगनवाड़ी सेविका मौजूद रही। आज हम लोग सरकार के विरुद्ध अपने हक की लड़ाई के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए सभी सेविका सहायता में हमारा बैनर तले बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर। ये कब तक हड़ताल जारी रखेंगे? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। कब से स्टार्ट किया है? 3 तारीख से, 3/10/2023 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में 5 सूत्री मांगों को लेकर सेविका एवं सहायिकाओं के द्वारा धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल किया गया। वहीं इसको लेकर मौके पर पहुंचे सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने समझा बुझाकर सभी सेविका और सहायिका का भूख हड़ताल जूस पिलाकर समाप्त कराया। इस दौरान जदयू विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने सभी सेविका सहायिकाओं की मांग पत्र लेकर, साथ ही विधायक ने इस मांग को लेकर बिहार विधान सभा में अपनी आवाज उठाने का भरोसा आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को दिया। मौके पर काफी संख्या में सेविका सहायिका मौजूद रही। निर्देश दिए कि आप लोगों का कहना कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया जाए। हमने कहा कि आपकी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे एकदम निश्चित और पहुंचावेंगे, और जब विधानसभा की जब मीटिंग प्रारंभ होगी नवम्बर में इस बात को हम उठा रहे हैं विधानसभा में, हम निश्चित। अगर
भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड में सभी सेविका एवं सहायिकाओं ने नारेबाजी करते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार से 5 सूत्री मांगों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की। इस दौरान धरना प्रदर्शन करते हुए सेविकाओं ने भूख हड़ताल भी किया। वहीं इसको लेकर बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष सुभद्रा कुमारी ने कहा कि मंगलवार की सुबह जगन्नाथ गंगा घाट में सभी सेविका सहायिकाओं ने गंगा स्नान कर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, जिसके बाद सभी सेविका एवं सहायिकाओं ने सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर बिहार एवं केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक सरकार के द्वारा उनकी 5 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा।